आठ केडरों को लेकर जो नर्सिंग कर्मी हैं उनके पूरे जो जितने भी मोर्चे बने हुए सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार यहाँ धरने प्रदर्शन बीते दिनों जेल में भी ये लोग गए अपनी भर्तियों को लेकर अपनी मांगों को लेकर आज उसी चीज़ को लेकर ये स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना दे रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं जिसको लेकर आप सरकार से लगातार वार्ता कर रहे हैं लेकिन कोई उसका रिजल्ट अब तक नहीं है। जी सर, हम पिछले 1.5 साल से आठों कैडर की भर्तियों के लिए मेहनत कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इन्होंने भर्तियां जारी की, 20,000 पदों पे लगभग आठों कैडर की भर्तियां जारी की हैं। उसके बाद इन्होंने डीवी कराने में लापरवाही करी, कई सूचियां गलत जारी करी, उनकी वजह से हमारा समय खराब किया। उसके बाद अभी ये कह रहे हैं कि हम अगले 3 या 4 दिन में सिर्फ प्रोविजनल सूची जारी करेंगे। 20,000 लोगों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। श्रीमान, हम आज डेलीगेशन के माध्यम से CMR में श्रीमान ललित जी से मिले हैं और उन्होंने उनसे बातचीत में हमें कहीं भी नहीं लगा कि हमारी भर्तियां पूर्ण होकर हमें नियुक्ति मिलेगी। उन्होंने साफ कहा है कि हम आचार संहिता के बाद देख लेंगे या हमारी सरकार रिपीट होगी तो हम आपकी नियुक्ति करा देंगे। तो मैं श्रीमान माननीय गहलोत साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि सर, हम प्रदेश के 20,000 पैरामेडिकल कर्मी, नर्सिंग कर्मी आपसे बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि हमारा पिछले 10 साल से जो भविष्य बिगड़ा हुआ है, हम 13 में भी रह चुके हैं, हमारे फार्मासिस्ट भाई भी हैं वो भी 10 साल से बैठे हुए हैं, अगर आपके कार्यकाल में भी ये भर्तियां पूरी नहीं होगी तो इसकी क्या गारंटी कि अगले समय में इसमें क्या बदलाव होगा, पदों में बदलाव होगा कि नहीं होगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं हमारा निस्तारण आज शाम तक हमारा निस्तारण करें, नहीं तो प्रदेश के काफ़ी लोग आ जाए हैं, काफ़ी नर्सें यहाँ आए हैं और अगले 2 दिन में काफ़ी संख्या बढ़ेगी। हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी प्रोविजनल सूची जारी कर उसमें 2 दिन का परिवेदना का समय दें और आचार संहिता से पहले नियुक्ति दें, वरना इसका हर्जाना कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। प्रदेश के नर्सेज के साथ आठों कैडर सभी में भारी आक्रोश है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा जो अधिकारी ये भर्तियां देख रहे हैं कि आप इसमें सजगता दिखाएं और इसको कार्य गति जो आपकी इतनी धीरे चल रही है उसको आप तेज करें और हमें आज से पहले नियुक्ति दें। भर्तियां कौन कौन सी है, उनके कितने कितने पद हैं लगभग? नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 8,750 पे, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 4746 पदों पे, फार्मासिस्ट है करीबन 4,000 पे, रेडियोग्राफर है 1178 पदों पे, लैब टेक्नीशियन है 2,000 करीबन पदों पे और बाकी छोटे कैडर की वो 300-300 पदों पे लगभग वो भर्ती हैं, जिनमें से 4 की प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी। 3 दिन का हमें समय दिया था लेकिन अभी तक उनकी भी पहले सॉफ्ट पोस्टिंग जारी नहीं की। तो देखिए, लंबे समय से इनकी मांगे थी, कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद है, उनको भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह महिलाएं यहाँ धरने पर बैठी है भारी संख्या में। और इनकी मांग है कि सरकार